हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस आर्ट चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं कैमल के इस पोस्टर कलर बॉक्स को अनबॉक्स करने जा रही हूँ। इसमें 20 शेड है, 15 ml की एक बॉटल है। तो अगर आपको पेंटिंग का शौक है या आपके घर में बच्चों को शौक है तो ये कलर बॉक्स बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए इसका प्राइस देखते हैं। इसका MRP 650 है, लेकिन मुझे ऑनलाइन ये 585 का पड़ा है। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा और सस्ता भी ये आपको पैक मिल जाए। इसमें मैं आपको कलर्स भी दिखाना चाहूंगी। आप नीचे देख सकते हैं कि कितने सारे शेड्स इसमें हैं और हर शेड का नंबर भी इसमें लिखा है। तो अगर कोई शेड आपका खत्म हो जाता है पेंटिंग करते वक्त, तो इसी नंबर का शेड मार्केट से इंडिपेंडेंट एक एक शेड भी मिलते हैं, तो ऑर्डर करके आप वो शेड मंगा सकते हैं। और वैसे आपको लग रहा होगा ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप बेसिक कलर से कलर बनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलाने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी कलर्स लगते हैं। अगर आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं तो आपको वो मेहनत बचती है, कलर्स भी बचते हैं, तो ओवरऑल ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। अब ये मैंने बॉक्स खोला है, इसके अंदर हमें दो ब्रशेस मिले हैं और मैं देख लेती हूँ ब्रश किस क्वालिटी के हैं। एक फ्लैट ब्रश मिला है और ये 6 नंबर का फ्लैट ब्रश है, और ये मिला है हमें 3 नंबर का राउंड ब्रश मिला है, 6 नंबर का फ्लैट ब्रश मिला है। हालांकि कैमल के ही ये ब्रश हैं, तो ब्रश की क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रश तो मैं नहीं कहूँगी। ब्रश मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सेपरेटली ले लीजिए, लेकिन ठीक है स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रश हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। मैं आपको फ्लैट और राउंड दोनों तरह के ब्रश का इस्तेमाल भी अपने इस चैनल में सिखाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ पैक आपको दिखा रही हूँ। तो ये दो तरह के ब्रश इसमें मिले हैं, पैक में आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे शेड्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। नॉर्मली हम जब लेते हैं तो बेसिक कलर्स होते हैं, जैसे ये येलो का जो आपको दिख रहा है, लेमन येलो, ये आपको किसी बेसिक पैक में भी इजीली मिल जाएगा। तो ये तो है ही, हर कलर बॉक्स में आपको मिलता ही है। ये आपको मिलेगा लेमन येलो, ये क्रोम येलो सेकंड शेड है, क्रोम येलो। ये बेसिक शेड पैक में आपको जो 6 वाले में ये आपको नहीं मिलता है, 12 वाले में कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा येलो का शेड है। तो अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं, फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये शेड ज़रूरत पड़ती है, और ये नॉर्मली बनाने से भी नहीं बन पाता है। तो ये शेड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे येलो में ऑरेंज मिक्स करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। और ये देखिए, ये तीसरा शेड है, ये गोल्डन की तरफ जाता हुआ है, और ये है ऑकर येलो। नॉर्मली हम इसको जो नॉर्मल भाषा में मस्टर्ड कहते हैं, पर हम आर्टिस्ट इसको ऑकर येलो कहते हैं। तो ये शेड भी बहुत बढ़िया है ऑरेंज, ये तो बेसिक कलर है, ये तो आपको हर पैक में ही मिलेगा। और ये देखिए, ये सबसे रेयर जो मुझे इस पैक में लग रहा है वो है गोल्डन कलर। नॉर्मली मेटालिक कलर्स के लिए आपको अलग से कलर्स लेने पड़ते हैं, लेकिन गोल्डन मेटालिक भी इसमें हमें मिल रहा है। तो ये आपको कहीं पर कुछ पेंटिंग में इम्पैक्ट देना है गोल्डन कलर का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा शेड है। तो आप देख सकते हैं येलो की फैमिली के ये इतने सारे शेड्स हमको मिल चुके। सेकेंड रो में हमारे पास, वाओ, ये पीच कलर है, ये तो आपको कभी भी आपको किसी भी पैक में नहीं मिलेगा। 12 कलर के शेड पैक में बिल्कुल नहीं मिलता है। पीच कलर के लिए आपको ऑरेंज, रेड एंड वाइट, येलो सब मिला के पीच बनाना पड़ता है, उस पर काफ़ी सारे कलर लगते हैं, लेकिन ये रेडीमेड पीच कलर आपको मिल गया है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर बनाना चाहते हैं जिसमें आप स्किन टोन देना चाहते हैं, तो आपको ये रेडीमेड कलर मिल गया है, और इसके नंबर भी लिखे हुए हैं, तो आप दोबारा से चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे इसमें इसका नाम है लाइट पीच। ये देखिए, ये रेड है, ये तो बेसिक कलर है, ये हर पैक में आपको मिलेगा, प्रीमियम रेड है ये। और सारी बॉटल्स जो है ना, ये साइज़ भी बहुत अच्छा है, 15 ml के साइज़ में है। और ये है स्पेशल पिंक, तो आप हम जनरल भाषा में जो इसे मजेंटा कलर कहते हैं, ये कलर है, ये कलर भी कम मिलता है पैक में, पर ये इसमें है, और ये बहुत सुंदर शेड है। और ये है क्रिम्सन, क्रिम्सन कलर तो है ही बहुत अच्छा। रेड का एक डार्कर शेड होता है जिसे आप मैरून कहते हैं, मैरून से हल्का सा लाइटर होता है, ये बहुत प्यारा शेड होता है। तो आप रेड की फैमिली में भी देख सकते हैं, ये 3 शेड आपको मिल चुके हैं। दूसरा ये वॉयलेट आपको मिल रहा है, वॉयलेट भी बहुत बढ़िया कलर है। ब्लू की फैमिली में भी बहुत अच्छे कलर्स मिले हुए हैं इसमें, और पर्शियन ब्लू भी अक्सर नॉर्मल पैक्स में नहीं मिल पाता है, पर इसमें पर्शियन ब्लू है। अल्ट्रामरीन ब्लू है, ये तो इजीली मिलता है, हर पैक में होता है, लेकिन ये वाला जो आपको पीकॉक ब्लू है, ये नॉर्मली नहीं मिलता, ये भी इसमें अवेलेबल है।
अब ब्लू की फैमिली में भी चार बहुत बढ़िया शेड्स हैं। अब ग्रीन में हम देखते हैं, लाइट ग्रीन है ये। 12 वाले पैक में आपको लाइट ग्रीन शेड मिल जाएगा, 6 के पैक्स में नहीं मिलता है। पोस्टर ग्रीन ये आपको हर पैक में मिलेगा, आप 6 का पैक लेंगे उसमें भी मिल जाएगा पोस्टर ग्रीन, तो ये बेसिक शेड आपको मिल ही जाएगा। और ये ऑलिव ग्रीन है। अब मैं ये आपको दिखाऊंगी कि देखिए ब्राउन में नॉर्मली हमको सिर्फ एक ही शेड हमको मिलता है, ब्राउन में हमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन इस पैक में ब्राउन के दो शेड्स हमें मिले हैं। ये देखिए हमें जो है ये बर्नट सियाना भी मिला है और बर्नट अम्बर भी मिला है। तो अगर आप ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं ये पेंटिंग में तो ये कलर आपको बहुत यूज़फुल है, वरना आपको इसमें ब्लैक मिलाकर बनाना पड़ता है पेंटिंग करते वक्त। तो ये सब बने हुए कलर्स हैं तो आपकी काफ़ी बचत भी हो गई कलर की। ब्लैक है और ये वाइट है, तो मुझे तो ये पैक बहुत ही यूज़फुल लग रहा है। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है तो आप समझ ही सकते होंगे कि कितने बढ़िया बढ़िया शेड्स एक ही जगह पर हमें मिल रहे हैं, कितना बढ़िया ये पैक है। और क्योंकि कैमल कंपनी का ये पैक है तो क्वालिटी तो बढ़िया ही होती है, आप जानते ही होंगे अगर आप भी यूज़ करते हैं तो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।